के हो जाए उसका हर सपना साकार, के तो है किस्मत के हाथ, कब हो किसका बेड़ा पार, होते रहते हैं अक्सर इस धरती पर चमत्कार, 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 चमत्कार। चाहत नहीं है मेहनत की, कमाना चाहे दौलत भी, आसानी से हर एक चीज पाने की है नियत भी, हर किसी का है ये ख्वाब, मिल जाए एक ऐसा चिराग, किसी को कुछ मिल जाए, किसी का कुछ हो जाए, चमत्कार उसे कहते हैं जब अनहोनी हो जाए, चमत्कार, 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 चमत्कार। भगवान, ये तेरा कैसे इंसाफ, जो बेकसूर वो कालकुट में बंद है और कसूरवार खुले आसमान पे उड़ रहे हैं, ऐसा जुल्म मत कर भगवान, वरना लोगों को तेरे से विश्वास उठ गया तो इस दुनिया में भरोसे का आदमी कोई नहीं रहेगा। देखा दिलो, केवल टीवी का कमाल, मम्मी भी भगवान के साथ दीवार पिक्चर की अमिताभ बच्चन की चाल में बात कर रही है। हाँ, अब तो भगवान के कान भी कादर खान के डायलॉग सुन सुनकर देरी जैसे हो गए होंगे। भगवान उन्हें बाइज्जत बरी करवा दे, 5 रुपया की प्रसाद चढ़ाऊंगी। मम्मी थोड़ा ज्यादा बोलो, महंगाई बहुत बढ़ गई है, इस 5 रुपए के प्रसाद में कुछ नहीं होता। और हमारे डैडी की इज्जत, हमारे डैडी की इज्जत क्या सिर्फ 5 रुपए ही है? लगता है कोई अकबर वाला हमारा इंटरव्यू लेने आया है। हाँ, अब हमको एरे गेरे नहीं रहे, एक ड्रग स्मगलर के कुलदीपक है, कुलदीपक। प्रेम, नम्रता, उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया? मालकिन ने मेरी जमानत करवा दी। चलो धीरे धीरे संभाल के गिर जाएंगे, देख के भगवान मालकिन का भला करे। देख, कितने दुबले हो गए हैं आप। डैडी, डैडी आपका मौत मारोगा नहीं। डैडी एक मिनट, मैं अभी आपका ऑटोग्राफ ले लेता हूँ। क्यों 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 का क्या मतलब, जेल में जाने के बाद आदमी लीडर बन जाता है, बन जाता है कि नहीं? कैसी हो चमेली? साहब, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। क्यों? माफ करना दीदी, पर गांव में अगर पता चला कि मैं किसी स्मगलर की यहाँ नौकरी करती हूँ तो नाजी माँ, मेरा तो राशन पानी बंद हो जाएगा। पानी बंद हो जाएगा? अरे हमारी सोसाइटी वालों के बाप का राज है क्या, क्यों हमारा पानी बंद हो जाएगा? दीदी अब आप ही समझाइए, मैं कहती कुछ और हूँ और ये सुनते कुछ और है। अरे सुनो, ये नौकरी छोड़ के जा रही है। हाँ जाना भी चाहिए, अब मेरी नौकरी का भी इस हादसे के बाद क्या होगा उसका भी कुछ समझ में नहीं आता। मेरी वजह से उन गुंडों ने मेरे बॉस को ऐसा पीटा जैसे संगीत विद्यालय के नए नए विद्यार्थी तबला पीटते हैं। और वैसे भी जब जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले चूहों को ही जंप मारना पड़ता है ना। नहीं सर, नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, मैं आप जैसे देवता को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, आप मुझे माफ कर दीजिए। तुझे नहीं लगता टीनू कि ये चमेली डैडी पे लाइन मार रही है? कोई फायदा नहीं, जब तक डैडी के कान काम चले ना तब तक मम्मी के लिए कोई खतरा नहीं। बीवी जी, मैं साहब के लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ, पता नहीं जेल में कैसा खाना मिलता होगा। बहुत बुरा। चल टीनू, इमोशनल सीन खत्म हुआ, अभी लव सीन होगा। रुकना यार, चलना यार। ओ प्रेम, आई लव यू। ठीक है, कल मंगवा दूंगा। प्रेम बाबू, इस मंजर को आखिरी सलाम कर लो, पता नहीं दोबारा एंट्री मिले ना मिले,
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सखाराम, क्या बात है, आज तुम मनीषा के सपने नहीं देख रहे हो? मेरे आउटडोर पे गई है क्या? मेरे दिन भर गए क्या साहब, जो अमरीश पुरी के अड्डे पे नौकरी करके मनीषा के सपने देखूं? अड्डे पे नौकरी, भेलपुरी, पता नहीं क्या बकवास कर, बैठ जा। क्या हो रहा है भाई सतीश? प्रेम, देखो काम के वक्त उल्टी सीधी बात मत करो भाई। सब लोग इतनी सीरियसली काम कर रहे हैं, क्या बात है? प्रेम बाबू, कर्म ही मोक्ष का मार्ग है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। कृपया अपना कर्म कीजिए, मेरा मतलब है काम कीजिए। पता नहीं क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आजकल सबके सब। प्रेम बाबू, आपको बॉस ने बुलाया है। कौन आया है? आपको बॉस ने बुलाया है। क्या लाया है? आपको बॉस ने बुलाया है। वो बॉस ने बुलाया है। अच्छा जाओ जाओ, मैं आता हूँ, जाओ। एक लाख पचास हजार, 3,40,000, ये 7.5 लाख। कमिन। मैं कमिन सर। आओ 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 प्रेम, आओ, इतनी देर लगा दी। अरे भाई, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सर, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया सर। अगर तुमने जानबूझ कर भी किया तो भी कोई बात नहीं। नहीं सर, मैंने जानबूझ के नहीं किया। अरे लेकिन मैंने कब कहा कि तुमने जानबूझ कर किया? सर आप तो मालिक है, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सर मैंने जानबूझ के नहीं किया। प्लीज मुझे रिजाइन करने को मत कहिएगा। देखिए, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं रिजाइन कर गया तो उनकी पढ़ाई बंद हो जाएगी, अगर उनकी पढ़ाई बंद हो जाएगी तो उनको गुंडा बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, और गुंडे क्या क्या करते हैं उसका तो ताजा एक्सपीरियंस आपको अभी अभी हो चुका है। इसलिए सर मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, सर मुझे रिजाइन करने को मत कहिए। सर कान के आप मेरी नाक काट लीजिए, लेकिन मुझसे रेजिग्नेशन लेटर मत मांगिए। मैं तुम्हें नौकरी से इसलिए नहीं निकालूंगा क्योंकि तुम्हारी इस गलती की वजह से मुझे लाखों का फायदा हुआ है। लाखों का फायदा? वो कैसे सर? वो ऐसे, लोगों ने मुझे सचमुच का बहुत बड़ा स्मगलर समझ लिया। तो जिन लोगों ने हमारा पैसा रोक रखा था, हमारे पैसों के साथ फांगा किया था, उन्होंने डर के मारे इंटरेस्ट के साथ पूरे पैसे वापस कर दिए। ये देखो 35 लाख रुपए के चेक और ड्राफ्ट, इसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। गाय? सर ऑफिस में गाय को क्या करेंगे? अबे बैल, तू कब सुधरेगा? anyway, आज मैं तुझसे बहुत खुश हूं, और इसी खुशी के मारे मैं तुम्हारी तनख्वाह 1,000 और बढ़ा देता हूं। सिर्फ 1,000 रुपए? सर मतलब की बात कितनी जल्दी सुन लिया प्रेम? नहीं 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 सर, मैं मतलब ही नहीं हूं, वो तो मेरा कान है। अरे भाई, ये सब क्या हो रहा है? दिवाली आ रही है, उसकी सफाई। दिवाला पीटने की तैयारी कर रहे हैं? मुझे पूछे बगैर ही मेरा दिवाला पीटने की तैयारी कर रहे हैं? दिवाला नहीं, मैं दिवाली की बात कर रही हूँ। ओ दीवार, कौन सी दीवार गिर रही है? हे भगवान, हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं। भगवान सफाई कर रहे हैं? भगवान को सफाई करने की क्या जरूरत है? अरे नहीं साहब, हम लोग घर की साफ सफाई कर रहे हैं। साफ सफाई कर रहे हैं तो इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? क्या पूरी सोसाइटी में ऐलान करना है कि हमारा घर बहुत गंदा हो गया है, उसे सफाई करने की जरूरत है? कमाल है भाई आप लोगों का। टीनू, छोड़ना नहीं साले को। ये किसके साले की बात हो रही है? डैडी, आप बीच में से हट जाइए, वरना कॉकरोच का बच्चा बच जाएगा। क्या? कॉकरोच? कॉकरोच, कॉकरोच, बचाओ, 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 बचाओ। क्या बच्चों की तरह बच्चा बचाओ चीखते हो? एक कॉकरोच से डरते हो, वो भी हमारे बाप होकर? अरे तो उससे क्या हुआ, फिल्म मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर भी तो डरता था कॉकरोच से। वो तो श्रीदेवी को इम्प्रेस करने के लिए। या मम्मी को इम्प्रेस करके डैडी को कोई फायदा नहीं। आ, आ, आ,
मम्मी देख रही हो क्या सीन है? ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे होते हुए एक नौकरानी को बाहु में थामे खड़े हैं? अरे मैं तो बैठा हूँ और मैंने कहा थामा, ये तो खुद आ गिरी है। ये क्या बदतमीजी है चमेली? उठ, मैं कहती हूँ उठ। अब बोल क्या हुआ? हमको तो झटका लगा। मुझे भी। क्या मतलब? मेम साहब, हम ऊपर वायर को छुआ तो हमको ऐसा लगा कि कोई हमको जोर से धक्का मारा। चमेली झूठ मत बोलो, मैंने कब धक्का मारा इसको? क्या क्या क्या? करंट लगा। कहां से बता? ओह माय गॉड, ये तो पूरा वायरिंग चूहे ने काट डाला। चूहे को काट डाला? किसने? ये कौन चीनियों की तरह गंदी हरकतें कर रहा है हमारे घर में, बताओ मुझे जरा। अरे डैडी, कामा का चिंको मत घसीटो इस मामले में। बात यह है कि चूहे लोगों ने हमारा केबल खा डाला है। ओहो, तुम कल के बच्चे मुझे क्या समझा रहे हो? ये तो मुझे भी पता है कि चीन ने हमारी सरहद का एक हिस्सा खा डाला है, लेकिन उसका झटका ये चमेली को क्यों लगा, और वो भी इतने बरसों बाद? हे राम। अरे बाबा, चूहे ने हमारा इलेक्ट्रिसिटी का वायरिंग खा डाला, उसी वजह से चमेली को करंट लगा। ओहो, तो यूं कहो ना कि चूहों ने हमारी वायरिंग खा डाली है। क्या तुम लोग गोल मटोल बात करते हो, चीन जापान पता नहीं, तुम लोग कट टू कट बात नहीं कर सकते क्या? डैडी, पहले आप कट टू कट सुनना तो छोड़िए। ठीक है, अब कोई भी केबल को छुएगा नहीं, बस। अरे छूने की बात जाने दो, ये हाल रहा तो किसी भी वक्त शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं। अरे भाई, इलेक्ट्रिशियन को बुलवाओ, रिपेयर करवा, वरना खतरा हो सकता है। अरे ये तो मुझे भी मालूम है कि रिपेयर हो सकता है। अरे साहब, मेम साहब कह रही है कि इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर लाओ। अरे सुनाई देता है मुझे, सुनाई देता है? तुम हर बात चीख चीख के क्यों कहने लगी हो? क्या होगा इसको है? अब मेरा मुंह मत तको, जल्दी जाओ और इलेक्ट्रिशियन भेजो। तुम्हारा मुंह तको जल्दी? क्यों, तुम्हारा मुंह तकने से केबल ठीक हो जाएगा? अरे भाई, अब ऑफिस जाओ और इलेक्ट्रिशियन भेजो। ठीक है, मैं ऑफिस जाता हूँ और इलेक्ट्रिशियन को भिजवाता हूँ, तब तक तुम लोग यहाँ संभाल के रहना। हा? और चमेली, तू तो खास तौर से इधर उधर से गिरना बंद कर दे। पिछली बार तो मैं था स्लिप में कैश लेने के लिए, अब की बार गिरी ना तो सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं, इनमें से तो कोई क्रिकेट खेलता भी नहीं। इलेक्ट्रिशियन भेजना मत भूलना। अरे भाई मुझे याद है, वहां जाना है, उसको पता देना है और यहाँ भिजवाना है। तुम लोग चुपचाप अपना कॉकरोच चॉकरोच मारो ना। डैडी, आपने हमें क्या पेस्ट कंट्रोल वाला समझ के रखा है क्या? डब्बू, हम लोगों को जिंदगी में चमेली से बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी क्या बात करते हैं। हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि हमारे घर की नौकरानी हमारी टीचर बनेगी। सोच ले टीनू, कहीं ऐसा ना हो कि ये गुरु दक्षिणा में हमारे डैडी को ही मांग ले। अरे बुद्धू, मैं पढ़ने की नहीं सीखने की बात कर रहा हूँ। देख, मम्मी ने उसे डांटा तो वो उसका गुस्सा घर की सभी चीजों पर निकाल रही है। देख, वो पंखे को इतना फटकर है कि वो घूमना ही भूल जाएगा। जिसका डर था वही बात हो गई। हाँ, जल्दी से इलेक्ट्रिशियन को बुलवाइए वरना आग लग सकती है। हमारे एरिया में इलेक्ट्रिशियन कौन है वो भी मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ एक इलेक्ट्रिशियन था राजू, पर वो काम का नहीं रहा। क्यों, राजू जेंटलमैन बन गया? नहीं, वो तो कॉर्पोरेटर बन गया है, जो लोगों की लाइट ठीक करने के बदले म्युनिसिपैलिटी में बैठ के। तो अब क्या करें? साहब को फोन कीजिए। लो, कर लो बात, यहाँ डैडी के सुनने के बंदे, वो लाइट क्या खाक ठीक करेंगे। अरे नहीं, साहब ने कहा था कि ऑफिस से इलेक्ट्रिशियन को भिजवाएंगे, उसका क्या हुआ? तीनू, डैडी का ऑफिस का नंबर क्या है? मुझे क्या बता, मैं क्या डैडी के टेलीफोन डायरेक्टरी हूँ? मुझे पता है, 512-5252।
एसएससी? हाँ, मैं प्रेम बाबू की वाइफ बोल रही हूँ, अर्जेंट काम है। क्या हुआ साहब, फोन पर आए? बॉस के कैबिन में है। अच्छा डब्बू, यानी डैडी बॉस को टॉर्चर कर रहे होंगे। ये देखो, ये है हमारे आंकड़े। अगर इसी तरह हमारी सेल गिरती रही तो एक दिन ये कंपनी बिक जाएगी। क्या कह रहे हैं सर, आप कंपनी बेचने की बात सोच रहे? सर ऐसा गौर मत कीजिए, कितने सारे वर्कर्स की रोजी रोटी मारी जाएगी। तुमने फिर उल्टा सुनना शुरू कर दिया, तुम अपने कान का इलाज तो नहीं करवाता यार। सर गिरते हुए सेल्स का इलाज तो हो सकता है, लेकिन कंपनी बेचना तो कोई तरीका नहीं हुआ। अरे यार, तू जबरदस्ती क्यों मेरी कंपनी बिकवाने में तुला है? अरे सर, आपसे अगर कोई जबरदस्ती कंपनी खरीदना चाहता है आप मुझसे कहिए, मैं उससे निपटता हूँ, लेकिन ये बेचने का ख्याल तो आप मन से निकाल ही रही है। अरे यार, मेरे को क्या पागल कुत्ते ने काटा है? अरे कंपनी बेचने की बात तो तू मेरे मन में डाल रहा है। सर पागल कुत्तों का हमारी कंपनी से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है सर, और अगर हमारी ऑफिस के इर्द-गिर्द कुत्ते बढ़ गए आपको ऐसा लगता है तो आप मुझसे कहिए ना, मैं म्युनिसिपैलिटी से कहता हूँ वो सारे कुत्तों को आकर पकड़ लेंगे, लेकिन कुत्तों का कंपनी बेचने से क्या ताल्लुक हो सकता है? ये बात कमाल हो गया, मैं तुझसे सेल बनाने की बात कर रहा हूँ और तू मेरे ऊपर कुत्ते पकड़वाने का पाप डाल रहा है। सर अब तो उसमें कोई पाप नहीं होता, मेरा एक दूर का रिश्तेदार है, वो आजकल म्युनिसिपैलिटी में कुत्ता पकड़ो दल में काम करता है। वो क्या करते हैं, कुत्तों को मारते नहीं, उनकी नसबंदी कर देते। ओह गॉड, मेरी कंपनी का सेल कहां से बढ़ेगा, क्योंकि मेरा सेल्स सुपरवाइजर तो कुत्तों की फैमिली प्लानिंग के पीछे पड़ा है। हाँ सर, फैमिली प्लानिंग का कुछ असर तो हुआ है, पर इतना ज्यादा नहीं कि हमारे सेल्स पर उसका असर हो जाए। प्रेम, इसके पहले कि मैं अपने बाल नोचने लगूं, अपने हाथों से तुम्हारी गर्दन दबोच लूं, तुम्हारा खून पी जाऊं, गेट आउट, चले जाओ, गेट आउट फ्रॉम माय केबिन। सर आप कहते हैं तो मैं चला जाता हूं, लेकिन सर देखिए, आप इस कंपनी के मालिक हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो है हमारा भी तो खून पसीना शामिल है ना। यार तू जाता है या नहीं, तो मेरा खून बहाने में मैं अपना पसीना बहा दूंगा। ठीक है सर, आप कहते हैं तो मैं चला जाता हूं, लेकिन ये कंपनी बेचने का आइडिया गलत है। कौन है मतलब क्या भाई, मानो तो सबको, ये मेरा नहीं मानो तो कोई नहीं है मेरा। फोन है तुम्हारा? फोन फोन है क्या? फोन है? अरे बहरे तेरे घर से फोन है। अरे तो फोन है तो बोलो ना, फोन है उसमें भेड़ा बोलने की क्या जरूरत है? एक तो तुम लोगों की नौकरी के लिए मैं अभी अभी बॉस से महा युद्ध करके आ रहा हूँ। हेलो प्रेम बोल रहा हूँ मैं। हेलो, मैं नम्रता बोल रही हूँ। जाए पता नहीं, नम्रता आपकी बीबी, आपकी बीबी। मुझे क्या है, मेरा मतलब है आप दफ्तर में कैसे फोन कर दिया? यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई है। हाँ जी, शॉर्ट सर्किट हो गई है। शॉक नहीं, शॉर्ट सर्किट। अब जल्दी से इलेक्ट्रिशियन भेजिए, कभी भी आग लग सकती है। आग लग गई है? भगवान, क्या हुआ, ये कुत्ते की दुम की माफक हिलने लगा? तो मेरा घर साफ हुआ है, मेरे घर में आग लग गई है क्या? अरे वाह प्रेम बाबू, आपके घर तो अग्नि देवता प्रसन्न हुए। अरे मैम, तुम्हारे वाइफ ने तुमको फोन किया, उसकी वजह फायर ब्रिगेड में फोन करना मांगता क्यों? अरे आजकल की औरतों में इतनी अकल कहाँ? ए मदन, औरत की अकल पर नहीं जाना, वरना मेरे नए जूते तुम्हारे सर पर पड़ेंगे, समझे? बड़ी उत्तिंड है आप। हाँ। राम राम राम। अरे प्रेम, इनकी नौटंकी मत देख, फायर ब्रिगेड को फोन कर। इनकी नौटंकी देखने के लिए किसको फोन करूं? फायर ब्रिगेड को। तुम्हें आयत ना एकदम एराज। अरे जब तक ये अपने कमजोर कान से तुम्हारी पूरी बात सुन नहीं लेगा ना, तब तक इसके पूरे एरिया में आग लगकर राज कपूर की आग हो जाएगी। हाँ यार, तेरी बात में तो दम है। एक मिनट। हेलो हेलो फायर ब्रिगेड। हाँ कांग्रेचुलेशन सर। सर एक बहुत बड़े आपकी खबर है। हाँ वो अपना प्रेम के घर में आग लगी है। एड्रेस? हाँ एक मिनट सर, एक मिनट। प्रेम पोस्टल एड्रेस दो। पोस्ट ऑफिस को फोन करो। अरे पोस्टल एड्रेस दो, फायर ब्रिगेड है सामने। अरे बम्बे वाले साहब। हाँ नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ सब ठीक है, कभी कभार बस से कुछ झगड़ा हो रहा होगा। हाँ अरे प्रेम, उसका खबर बाद में पूछना, पहले अपना एड्रेस दे देना। हाँ सर, मेरा ख्याल है आप एड्रेस लिख ही डालिए। हाँ प्रेम कुमार चौबे। हाँ मैं खुद बोल रहा, प्रेम कुमार चौबे, 514 नील नंदिनी, झुनका भाकर रोड, अंधेरी। अंधेरिया नहीं, अंधेरी। हाँ
अच्छा सर, हाँ सर जल्दी आइएगा आप। हाँ और सुनिए सुनिए, तो पानी वानी अच्छी तरह भर के आइएगा। हाँ अरे चाय पानी मैं आपको दे दूंगा। अच्छा जी, हाँ जी जी जी। प्रेम, तुम्हारी बिल्डिंग में विंग कितने हैं और एड्रेस में तुमने कौन सा नेम लिखा है? ये 514 क्या है? सतीश बाबू, अगर मैं बॉस होता ना तो एक मिनट में आपको नौकरी से निकाल देता, कम दिमाग होने की वजह से। सीधी सी बात है यार, जिधर आग लगती उधर से धुआं उठता है, और जैसे बिल्ली जो है ना चूहे को सूंघ कर बतला देती कि इधर चूहा है, उसी तरह फायर ब्रिगेड वाले धुआं देकर बतला देते कि इधर आग लगी है। आला का डोका तुम चा ये सब क्या हुआ कर रहा है? ज्यादा कुछ नहीं बॉस, वो अपने प्रेम बाबू है ना, उनके घर में आग रिलीज हुई है। अरे प्रेम, तुमने अपने घर में थिएटर कब से बना लिया भाई? नहीं सर, मैंने अपने घर में डिस्को नहीं खोला, वो तो मेरे घर में आग लग गई सर। हाँ? तो तुम यहाँ पर बबून के पेड़ की तरह झूल क्यों रहे हो? घर जाओ। सर क्या है कि आप तो पहले ही कंपनी को बेचने की चिंता में थे, मैंने सोचा मैं आगे छुट्टी 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 करूंगा तो आप मेरी नौकरी से छुट्टी न कर दें। अबे गधे, तुझे नौकरी की पड़ी है और वहां तेरे बीवी बच्चों का तंदूर केस बन रहा है। जा, जा, जल्दी जा, और जाते जाते एम्बुलेंस लेते जाना। नहीं सर, मेरे पास बस की टिकट के पैसे हैं। पैसे नहीं, एम्बुलेंस एम्बुलेंस। क्यों सर? परिवार के जलते बदन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, समझे? देखा सर, मेरे परिवार के बारे में कैसी बातें कर रहा है। तू जल्दी जा और क्या हुआ मुझे फोन करके बताना। सर अगर आपका रॉन्ग नंबर लगा तो? किसे घर में, किसे घर में लिया? कौन सा नंबर बोले? प्रेम तुम अपने घर जाओ। मैं इनके घर जाऊँ? इनके घर में भी आ जाऊंगी। अपने घर? मेरे घर। अबे आग कहाँ लगी है? नील नंदिनी बिल्डिंग है। विंग कौन सा है? वो तो बताए नहीं। नील नंदिनी की तो पूरी अल्फाबेट जितनी विंग है, और यहाँ पर तुम लोग इतने आराम से घूम रहे हैं जैसे हिल रिसोर्ट में घूम रहे हो। आग का तो नामो निशान नहीं है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।